स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आपको यूपी ट्रिपल एससी वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित एक लेटेस्ट न्यूज बताएंगे। यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीडियो का जो पेपर 22 तथा 23 दिसंबर को हुआ है उसमें कितने प्रश्नों पर आपत्ति की गई है, तथा ये भी बताएंगे कि इसके लिए संशोधित उत्तर कुंजी कब तक आ सकती है। तो चलिए ज्यादा जानकारी के लिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करें ये वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि हमारे चैनल पर कुछ टीचर की जरूरत है। अगर आप हिंदी, तर्क शक्ति, गणित या फिर सामान्य ज्ञान पढ़ा सकते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रही बात हमारे लोकेशन की, तो हमारा लोकेशन है गोविंदपुर प्रयागराज। मतलब कि अगर आप प्रयागराज में हैं तो ही आप हमसे संपर्क करें, क्योंकि जो कैंडिडेट बाहर के हैं और अगर वो पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनको यहाँ पे आना होगा। तो अगर आप प्रयागराज में हैं और इच्छुक हैं पढ़ाने के तो आप हमसे संपर्क करिए। व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वीडियो के बारे में। आपको पता होगा कि ग्राम विकास अधिकारी का पेपर 22 तथा 23 दिसंबर को हो चुका है और इसके लिए कैंडिडेट अपनी पूरी जोर लगा रहे हैं कि ये पेपर पुनः कराया जा सके। लेकिन आयोग की तरफ से इस पर ऐसा कुछ नहीं अपडेट दी जा रही है, जिससे कि ये संशय बरकरार है कि क्या इस पर अब संशोधित उत्तर कुंजी आएगी या फिर ये पेपर रद्द करके पुनरीक्षा कराने का डेट जारी किया जाएगा। तो चलिए पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में। तो देखिए, आपको ज़्यादा जानकारी के लिए एक पेपर कटिंग दिखा रहे हैं। ये पेपर कटिंग है अमर उजाला की और आज की पेपर कटिंग है, आज की यानी कि 1 जनवरी 2019 की। यहाँ पर हेडिंग है कि 5 गलत प्रश्नों पर छात्रों की आपत्ति। देखिए, 5 के बजाय कहीं कहीं 6 और 7 प्रश्नों पर भी आपत्ति की गई है। ये जो क्वेश्चन सीरीज था ए बी ई जी ए डी, इनमें अलग अलग प्रश्न पूछे गए थे और सभी प्रश्नों में कोई ना कोई गलती हुई है। जो 23 तारीख को पेपर हुआ था और सुबह और शाम वाला, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन गलत हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो सस्पेंसिव है, मतलब कि उनका उत्तर सही भी हो सकता है, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन थे और क्वेश्चन ही गलत समझ में आ रहा है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हिंदी के भी गलत थे। तो कुल मिला के लगभग 5 क्वेश्चन पर आप समझ सकते हैं कि आपत्ति की गई है। और ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे जो पेपर कटिंग दी गई है वो हम आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा वीडियो के लिए जो 22 तथा 23 दिसंबर को हुई है उसमें 5 सवालों को गलत और त्रुटिपूर्ण ठहराया गया है। छात्रों ने आंसर की जारी होने के बाद यूपी ट्रिपल एससी को अपनी आपत्ति भेज दी है। और यहाँ पे कुछ कैंडिडेटों का कहना है कि जो बी एफ सीरीज था इसमें जो प्रश्न संख्या 31 है वो गलत था। यहाँ पे और कैंडिडेट ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें से कोई सही नहीं था, लेकिन आयोग ने अपना जो आंसर की जारी किया है उसमें किसी एक उत्तर को सही बता दिया है। हालांकि आपको पता होगा कि इसके लिए वो जो ऑब्जेक्शन भेजना था उसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी और इसे बढ़ाया नहीं गया है। तो यहाँ पे जिन कैंडिडेटों को भी ऑब्जेक्शन भेजना था सभी लोग अपना ऑब्जेक्शन भेज चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसके लिए संशोधित उत्तर कुंजी कब आएगी। तो देखिए, आयोग की खबर को माने तो यहाँ पे संशोधित उत्तर कुंजी 10 जनवरी तक आ सकती है, क्योंकि अभी जिन प्रश्नों पे ऑब्जेक्शन हुआ है उसे सुधार कर तुरंत आंसर की जारी करने की योजना है। अगर आयोग इसे रद्द करने या फिर पुनर्परीक्षा के लिए कोई फैसला नहीं लेता है तो 10 जनवरी तक इसकी संशोधित उत्तर कुंजी आ सकती है। और भी यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा प्रश्न गलत था। यहाँ पे जो हिंदी में प्रश्न थे वहाँ पे अभी अत अद करके क्वेश्चन था, इसमें आपको अध्यक्ष में उपसर्ग बताना था तो इसमें ये गलत था। इसी तरह कुल मिला के हर एक सेट में 5 से 7 क्वेश्चन गलत थे। अगर सब प्रश्नों को संशोधन कर लिया जाता है तो हर कैंडिडेटों का 5 से 7 नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन ही गलत होगा उसमें सभी को नंबर मिलना अनिवार्य है। तो इस तरह आप ज़्यादा जानकारी के लिए पेपर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे यही दिया गया है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट जिस पे ऑब्जेक्शन किए हैं वो अपना बताए हैं और इसके लिए संशोधित उत्तर कुंजी 10 जनवरी तक आ सकती है। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आप चैनल पे पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आप हमसे संपर्क करिए। उसका
उसके लिए व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।